सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो टीवी पंजाब। इस वेले नशियां दा छेवां दरिया पंजाब विच बदस्तूर बग रहा है। हालांकि इस दरिया नूं ठल पाउण लई सरकारां बणियां ते चलियां वी गईयां। हुण जिहड़ी मौजूदा सरकार है इस दा वी दावा रहा, इस पार्टी दा, आम आदमी पार्टी दा दावा रहा, इस दे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल सब तों वड्डा बयान यही दिंदे रहे जदों भी चोण प्रचार दे लई पंजाब दे विच आउंदे सी कि उहनां दा जिहड़ा सब तों अहम वार होएगा वह नशे ते होएगा ते नशे की कमर तोड़ के रख देंगे कुछ महीनों के विच ही। पर नशे की कमर ना तो पिछली सरकार तोड़ सकी ते ना ही ये सरकार अज तक तोड़ सकी है। हुण तक सवा साल का समा बीत चुके है, जिहड़े पंजाब दे नौजवान ने वह नशे दे दरिया दे विच डुब डुब के लगातार मर रहे ने, इसकी निरंतरता टुट नहीं रही है। ताज़ा जिहड़ी खबर आई है वह बठिंडा तो है, बठिंडा के पुचो मंडी नेड़े एक नौजवान की नशे नाल मौत होने की खबर है। नशे की ओवरडोज कारण जसकरन सिंह जिहड़ा वह मौत का शिकार हो गया ते उसकी लाश न हस्पताल विच पोस्टमार्टम लई लिया गया ते पोस्टमार्टम करवाउण तो बाद उसका संस्कार कर दिता गया। जसकरन जिहड़ा अपने मापिआं का इकलौता पुत्र सी ते सब तो वड्डी गल कि यह नौजवान नेवी वास्ते एक टाइम ते सिलेक्ट हो चुका सी, पर परिवार दे विच क्योंकि इकला ही बेटा सी इस करके उसनू जान नहीं दिता गया। परिवार जिहड़ा वह दिहाड़ीदार परिवार सी, रोज़ मजदूरी करके जिहड़ा वह अपनी रोजी पाल रहा सी ते हुण जसकरन भी जदों होर पासे नौकरी नहीं मिली उस वेले उसने नेवी दी नौकरी नहीं लई ते बाद दे विच जिहड़ा उसनू किसे पासे भी नौकरी नहीं मिली। अजकल जिहड़ा वह दिहाड़ी वगैरह करके अपनी जिंदगी अपने परिवार की जिंदगी चला रहा सी, पर इसे दरमियान ही गलत संगत दे चलदियां ते बेरोज़गारी दे चलदियां नशे वल तक्या गया ते नशे ने उसनू आखिर ग्रस्त कर लिया अपने विच ते नशा उसनू नशा जिहड़ा वह ग्रस्त गया ते जसकरन की मौत हुई नशे की ओवरडोज दे नाल। ते ए पूरी घटना जिहड़ी है वह पूरे पिंड नूं हिला के गई है। पूरा पिंड जिहड़ा वह इस वेले सरकार तो जसकरन वांग होर नौजवान ना जाण इस तरह की मंग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस सरकार ने होंद विच आउण तो पहला इस सरकार दे नेतावां इस पार्टी दे नेतावां ने जिहड़ा सरकार बनाउण तो पहला वड्डे वड्डे दावे किए सी, ये वादे किए सी लोगों नाल कि जिवें ही असीं सत्ता विच आवांगे सब तो करारा वार जिहड़ा वह साडा होएगा वह नशे दे सौदागरां ते होएगा। पर अज नशे दे सौदागर जिहड़े ने वह इन्ने कु मजबूत हो चुके ने कि पुलिस सिस्टम नूं चुनौती दे रहे ने थां थां ते। असीं अक्सर पढ़दे हाँ हालांकि पुलिस जिहड़ी है वह अपने दावे करदी है नशे की बरामदगी दे करदी है जां फिर नशा तस्करां नूं फड़न दे भी अक्सर दावे करदी है, पर पंजाब दे विच नशे का छेवां दरिया जिहड़ा वह बदस्तूर वग रहा है, वह उस तरह वग रहा है ते पंजाब दे नौजवान इहदे विच रुड़ रहे ने, पंजाब की जवानी रुड़ रही है। पंजाब की जवानी की गल करिए इस वेले पंजाब की जवानी जिहड़ी है जां तां मापे चाहुंदे ने कि नशे तो बचाउण लई उहनां नूं बाहर भेज दईए विदेश भेज दईए तां कि उहनां दे बच्चे नशे तो बच जाण, ते जां फिर इत्थे बेरोज़गारी की मार चलदिआं नशे की ग्रत विच आ के अपनियां जानां गवा रहे ने। बिल्कुल इस तरह की घटना जिहड़ी है वह जसकरन की है ते जसकरन ने नशे की ओवरडोज करके अपनी जीवन लीला जिहड़ी उह समाप्त कीती है ते इस नूं लै के पिंड वालियां च इलाके वालियां विच इक रोस पाया जा रहा है सरकार प्रति, सरकार दे उस वादे प्रति उस दावे प्रति जो लोगों नाल कीता गया सी कि होंद विच आउण तों बाद असीं नशे नूं सूबे दे विचों खत्म करांगे पंजाब दी जवानी नूं नशे चों कढांगे। ते अजे तक सवा साल दे विच इन्हां लोकां दा कहना है कि सरकार दा अजिहा कोई जलवा नहीं दिखिया कि नौजवानां नूं नशे दी राह तों जिहड़ा उह फड़ के एक सही ट्रैक ते पाउण दा कोई उपराला कीता गया होवे। हालांकि सरकार अपने लख दावे करदी है ते कर भी रही है ते करदी भी रहेगी कि नशे दी जिहड़े जो चल रही है नशे दे दा जो वरतारा चल रहा उस नूं ठल पाउण दे लई बहुत सारे उपराले सरकार कह रही है कर रहे ने, पर उन्हां दा असर जिहड़ा उह किते नहीं दिख रहा। अज भी जिहड़े साडे नौजवान ने उह राहां दे विच नशे दी ओवरडोज दे नाल डिग्गे पए मिलदे ने, उन्हां दीआं मौतां हो रहीआं ने, इह सिलसिला लगातार चल रहा है। ते अजिहे मौके इस नौजवान दे जिसने जान गुआई है ते इस नौजवान दे मापिआं दा की कहना सी, परिवार वालां दा की कहना सी ते पिंड वालां दा की कहना है। उन्हां ने जिथे जसकरन दी मौत ते दुख जताया जिथे जसकरन की मौत पर दुखी हैं इस नौजवान की मौत पर दुखी ने उत्थे ही सरकार
तो ना उम्मीदी जिहड़ी है वो उन्हां दे सारे बयानां दे विचों झलक रही है। सरकार तो उम्मीद कर रहे ने अजे भी बावजूद इस दे, हालांकि नाम उम्मीदी दे आलम च ने, पर इस दे बावजूद सरकार तो मंग कर रहे हैं कि बाकी कामां नूं छड्ड के पहलां पंजाब दी जवानी नूं नशे तो बचाउण दे वल ध्यान दित्ता जावे। तो इस तरह दे बयान जिहड़े सुणन नूं मिले जदों जसकरन नूं अलविदा कही जा रही सी। आओ सुणाउने आ मृतक नौजवान जसकरन दे परिवार ते पिंड वालों का की कहना सी। करके तुहाडे बच्चा उत्थे डिग्गिया पिया गा, उत्थों जी जाके चक के लेके आएंगे। जिहड़ा बच्चा गुजरिया गा जसकरन सिंह सी, सुरजीत सिंह। जिहड़ा जसकरन सिंह सीगा वह तकरीबन प्लस टू पढ़िया सीगा, पांच छे साल तो वह नाल दिहाड़ी मजदूरी करता सी। प्यो का भी मतलब कि माँ प्यो भी दिहाड़ी मजदूरी करते, जिहड़ी माँ गई वह लोगों के मतलब कि भांडे मांजदी है, जो गोहा गूड़ा छड़ती है, और यह जी कंडीशन सी। इस तों इलावा इन्हूं कुछ मतलब कि नेवी के भी नौकरी मिलती सी, पर परिवार की इकलौता सीगा उदा करके इन्हूं जान नहीं दिता गया सीगा। वधिया सीगा जे उधर निकल जाता, पर जिहो जिहा कोई आपां नशियां दा हड़ बगदा पिया गा उहदे इह भेट चढ़ गया, ते टीके लाउण लग गया तकरीबन साल पहलां। इस तों इलावा दो तीन वारी इन्हूं दाखिल भी करवाया गा, पर जिहड़ी माड़ी संगत आदि बदौलत अज यह मतलब कि नशे की भेट चढ़ गया गा। कल तकरीबन 7:30 जो असी जाके देखिया उत्थे डैडी पिया सीगा, वह तकरीबन मतलब भुच्चो मंडी तो जिहड़ा कोई लहरे खाने वाला रेलवे लाइन आगा उन्होंने विचाले जे पिया सीगा। सानू जो मुंडा सीगा उन्होंने बिना दसे जाके उत्थे बैठ गया, उन्हों का फोन आया गा, उन्होंने सानू फोन किया, फिर असी जाके भज के जाके उन्होंने चक के लेके आए। उदो माड़ी मोटी यो सी, पर सानू तो ऐसी मतलब प्रॉपर नहीं जानकारी सी। इदू बाद असी डॉक्टर को लेके गए गी, तो डॉक्टर ने उन्हें मृतक घोषित करता सी। असी समाज में यह चीज़ा कहना चाहते हाँ कि भी साडा तो मतलब कि भतीजा जां पुत सीगा वो इत्थों चलिया गया गा, तुसी असी समाज में यह हाथ जोड़ के बेनती करते हैं भी जे तुहाडे तुसी आपदे पुत नूं बचा सकते हो तो यह एक कोड़ तो दूर रखो, लोगों के नाल सहयोग देवो, ना जे कोई लगता गा उन्हां दा इलाज कराओ, पर जे साडा पुत अज गया असी नहीं चाहते भी किसी का पुत होर जाए दुनिया तो। वाह खालसा वाहगुरु जी की फतेह। तो जिस तरह आप संगतां नूं पता है, समाज नूं पता है कि साडे पिंड दे विच अकलौता पुत्र मापियां दा जो कि नौजवान अवस्था दे विच 18 साल की उम्र सी, ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੇਟ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਛੱਡੀਏ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਊਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਪੜੋਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੋਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਲਹਿਰੇ ਬੇਗੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ, ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਚੱਲੀ ਆ। ਅੱਜ ਲਹਿਰੇ ਬੇਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਊਗੀ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਸਿੱਟ ਕੇ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੱਸ ਇਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਕੋਈ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦਾ ਫਲਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਦੱਸੋ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੀਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਆਪ ਸੀਰੀ ਰਲੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਚਾ ਸੀ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਿਓ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਮਾਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮਾਤਾ ਵਾ ਉਹ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10 ਘਰਾਂ ਛਿੱਟ ਦੇ ਕੇ 15 ਘਰਾਂ ਛਿੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਸੀਰੀ ਰਲੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਦੱਸੋ
ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਝਾਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਕਰੂ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਬਸ। ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਦਾ ਵੀੜੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਦੁੱਗਾ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤ ਮੁੱਕਿਆ, ਇਹ 4-5 ਲੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੇ ਟੋਕਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਦਾ ਬੇਟਾ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਜੇ 'ਤੇ ਆਏ, ਇਹ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਲ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸ ਨਸ਼ਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਜੇ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਥ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਸਾਥ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਸੱਥਰ ਵਿਛ ਰਹੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੇ ਬੇਖਬਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜੇ ਅਜਿਹੀ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰਾਹੇ ਤੋਂ ਵਰਜ ਕੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਣ।